Assalamualaikum and welcome back again to my YouTube channel. यार जिम के अंदर ही मैंने अपना व्लॉग शुरू किया। गांव से आए हैं, देसी वेट उठाते हैं। चलो दाद भाई, they are trying to lift in proper weightlifting वाली टेक्निक में। शाबाश। कोई गाल नहीं, फर्स्ट टाइम उन्होंने वेटलिफ्टिंग वाली टेक्निक किया, जोर पूरा, लेकिन ये गांव में उठाते हैं देसी वेट, जो यहाँ पे रोक के फिर ऊपर उठाते हैं। की ट्रेनिंग करनी है? उची बोल, फ्रंट स्क्वाट, और मैंने स्टैंड से होल्ड, और ये होल्ड से भाग जाता, ट्रेनिंग में से छुट्टी करता है ये। इसे फिर ये कहता है भाई मेरे से ट्रेनिंग नहीं हो रही है। गोल्ड मेडल आ, मिठाई कि थी ये कल जो मैं कह रहा था ना कि इसने जिशान तलाल वो है और जुहेब, इन तीनों ने माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया और खाली हाथ आए हैं। वेख लो, तमीज ही नहीं है तो मिठाई लैके जाए, सानू भी होंगी है तो खुआई भी है। वेखो लेकिन पाकिस्तान से डिस्टर्ब नहीं है। उची बोल, हम इसे जिस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे पिंड वाले भाई हैं गांव में जो रहते हैं वो अच्छे से छाप बाला नहीं कर रहे, बाला नहीं वेट उठा सकें यार, इसे अकल नहीं आनी। कितने साल का हो गया? मैं कितने साल का हुआ तू मैं दस देना, 22 साल का, ये जनवरी में इसने 23 का हो रहा है। यार जिन्हें नहीं पता कि देसी वेट लिफ्टिंग क्या होता है, मतलब कि मैं वीडियो अटैच करता हूँ तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि देसी वेट उठाना कैसा होता है और प्रोफेशनल वेट उठाना कैसा होता है। मैं प्रोफेशनल उठाता हूँ, और ये जो भाई आए हुए हैं जाहिद भाई, निशान भाई, ये देसी उठाते हैं अपने गाँव में। जब कॉम्पिटिशन होता है, किसी मेले का कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पर जितने इर्द गिर्द के गाँव होते हैं वो देसी वेट उठाते हैं। कॉम्पिटिशन होता है पिंड के रिकॉर्ड तोड़े हैं, पिंड के रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। हाँ रिकॉर्ड होते हैं, देसी लिफ्टिंग है ना, अपने पिंड के चैंपियन है और ये बाकी गुजरात डिस्ट्रिक्ट के हैं। हाँ तो मैं आगे वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप देख लें कि आपको आसानी हो जाएगी कि भाई देसी लिफ्टिंग क्या होती है और वेट लिफ्टिंग मेरे वाली जो मैं प्रोफेशनल तरीके से टेक्निक के साथ वेट उठाता हूँ, वेट लिफ्टिंग बहुत।100 किलो है गुड टेक्निक माशाल्लाह। कुछ लोग वीडियो देख के कह रहे होंगे भाई कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उन्होंने कोई बैक के लिए अपना बेल्ट पहनी, बैक सपोर्ट के लिए आप लोग को मैं पता चलूँ, जो गांव में वेट उठाते हैं वो ऐसे ही उठाते हैं विदाउट बेल्ट, बेल्ट पहनी होती है, लेकिन उन्होंने 150 से 160 पे पहनी होती है। ये सिर्फ 100 किलो था तो इतना मसला नहीं होता, उनको आदत हो गई होती है, उन मसल्स पे जोर पड़ पड़ के वो मजबूत हो चुके होते हैं। जोर ना, क्या बात, कोई गल नहीं अच्छी है, टाइम निकाल ले लो। पहले दिन एक करना एनजी है कि जेन मतलब नवा बाल करदा पे है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ-साथ कर रहा हूं, स्टैंड से उल्ट कर रहा हूं, साथ-साथ आपको दिखाते हैं और भाई की ट्रेनिंग भी दिखाते हैं। और ये भाई की भी आपका, इसके भाई की भी बनाना है, स्टार्ट कर। ये मेरा भाई है, इसे शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं बता दूं मेरा छोटा भाई है, शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिलती, पता नहीं घर वालों ने इसे कहाँ से उठाया था। ये बुढ़ा हो गया पापा, ये फारग हो गया। कोई क्या कहना चाहेंगे तुम्हें, इस बंदे की डुबा दे,
सफर दे देंगे मेरी मैं ला लाऊंगा। नहीं यार इंशाल्लाह अच्छी अटेम्प्ट थी। असल में आप लोग को बताया कि पहली दफ़ा वो वेट लिफ्टिंग की जो प्रॉपर टेक्निक होती है वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देसी जो लिफ्टिंग होती है उसके अंदर भाई 160 kg उठाते हैं टाइम लगता है हर चीज़ में। ठीक है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। की वे रहा है तू है? मैं वे रहा बहुत सुने यार। ये इसका नाम है साबर। He is from Wazirabad and 120 kg front squat. Oh and no. Wow, very nice. Oh. लग गई। ਵਾਰ ਕੋ ਏ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਬੈਕ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਗਏ। ਹਾਂ ਬੈਕ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਲੇਖਾ। ਐਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ A few moments later. तो यार आज का व्लॉग यहाँ पे दी एंड है। ट्रेनिंग अलहमदिल्ला हो गई है जैसे कि देख सकते हैं आप। वेट वगैरह भी अंदर रख दिया। क्या की अजान हो रही है, नमाज पढ़ के घर जाते हैं, खाना खाना खाते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। पसंद आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छा लगा या नहीं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और शेयर भी काइंडली कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।